Hey guys, so welcome to my channel. My name is Malati, and in this video we are going to discuss how do enzymes brings about such high rates of chemical conversion. So enzymes itne sare conversions kaise kar pata hai? So to understand this we should study enzymes a little more. We have already understood the idea of the active site. So maine pad liya tha ki enzymes mein active site hoti hai jahan pe wo substrate ke substrate se product bana deta hai. Substrate kya hota hai? Hamara jo reactant hota hai. The chemical or metabolic conversions refers to a reaction. So we jo bhi metabolic conversions ho rahe wo hamari reactions ho rahi hai. द केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इन टू अ प्रोडक्ट इज कॉल्ड अ सब्सट्रेट. सो जो प्रोडक्ट में बदल रहा है ना उसको हम सब्सट्रेट बोलेंगे. मीन्स जो हमने रिएक्टेंट लिया है वही प्रोडक्ट में बदलता है. हैंस एंजाइम्स दैट इज प्रोटीन्स विद थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर्स इंक्लूडिंग एन एक्टिव साइट्स कन्वर्ट्स अ सब्सट्रेट इन टू अ प्रोडक्ट. सिंबॉलिकली दिस कैन बी डिपिक्टेड एज सो एस से सब्सट्रेट है पी से प्रोडक्ट है. इट इज़ नाउ अंडरस्टूड दैट द सब्सट्रेट एस हैज़ टू बाइंड द एंजाइम्स एट इट्स एक्टिव साइट विद अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट. सो ये अभी फिक्स हो चुका है कि एंजाइम में ये नहीं है कि सब्सट्रेट कहीं भी जगह अटैच हो जाएगा. एंजाइम्स में एक एक्टिव साइट होती है जहाँ पे जाके सब्सट्रेट अटैच होगा और एक पर्टिकुलर सब्सट्रेट अटैच होगा. ये नहीं है कोई भी अटैच हो जाएगा. उसकी एक शेप होती है तो वो उस शेप के हिसाब से फिट हो जाता है. द सब्सट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट. सो एक्टिव साइट में सब्सट्रेट फिट होना चाहिए. देर इज थस एन ऑब्लिगेटरी परमिशन ऑफ एन एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स. सो जब एंजाइम से सब्सट्रेट अटैच हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स. ई स्टैंड फॉर एंजाइम. दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमेना ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सब्सट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट. अ न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सट्रेट कॉल्ड ट्रांजिएंट ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज फॉर्म. सो अब जब ये एंजाइम सब्सट्रेट कॉम्प्लेक्स बन चुका है तो पहले हम उसको एक्टिव साइट बोल रहे थे, अब हम उसको बोलेंगे ट्रांजिएंट स्टेट क्योंकि अब उसमें चेंज आ चुका है ना. वेरी सून आफ्टर द एक्सपेक्टेड बॉन्ड ब्रेक और मेकिंग मीन्स एंजाइम कुछ भी कर सकता है, उसको सब्सट्रेट को जोड़ भी सकता है और उसको तोड़ भी सकता है. इज कंप्लीटेड जब वो कंप्लीट हो जाते हैं द प्रोडक्ट इज रिलीज फ्रॉम द एक्टिव साइट. सो प्रोडक्ट फिर रिलीज हो जाता है एक्टिव साइट्स में. इन अदर वर्ड्स द स्ट्रक्चर ऑफ सब्सट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट. सो सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बन जाता है तो वो अलग हो जाता है. द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर. तो हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर. देयर कुड बी मेनी मोर अल्टर्ड स्ट्रक्चरल स्टेट बिटवीन द स्टेबल सब्सट्रेट एंड द प्रोडक्ट. सो जब सब्सट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं ना. बीच में तो बहुत तरह तरह के स्ट्रक्चर्स बनते हैं लेकिन फिर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है. इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर्स स्टेट्स आर अनस्टेबल. सो बीच में जो स्ट्रक्चर बनती है ना वो अनस्टेबल होती है, तभी वो प्रोडक्ट नहीं बन पाती. अगर वो स्टेबल होती तो वो प्रोडक्ट ही बन जाते. स्टेबिलिटी इज समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर्स. तो स्टेबिलिटी किस पर डिपेंड करती है? उस मॉलिक्यूल का एनर्जी कितनी है उसके पास. सो उस हिसाब से उसका प्रोडक्ट बनता है. हैंस वेन वी लुक एट दिस पिक्टोरियली थ्रू अ ग्राफ इट लुक्स लाइक समथिंग एज इन फिगर 9.6. सो ये क्या है? ये हमारी पोटेंशियल एनर्जी है और ये हमारी रिएक्शन चल रही है. टाइम है इधर. सो सब्सट्रेट लिया, ये हमारी रिएक्शन गई, ट्रांजिएंट स्टेट आई उसमें और देन प्रोडक्ट बना दिया. तो ये हमारी एक तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स इसमें से एनर्जी रिलीज हो रही है, हमें कोई एनर्जी देनी नहीं पड़ रही है. हमने एंजाइम यूज़ किया तो रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, और जब हमने एंजाइम जब हमने कैटलिस्ट यूज़ नहीं किया है तो रिएक्शन टाइम लेती है. सो उसमें इतना ये लंबा गैप होता है. प्रोडक्ट तो सेम ही बनना है लेकिन एंजाइम से कितना फ़र्क आ गया, देखो कितना ज़्यादा गैप आ गया. सो एंजाइम क्या करते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज़ कर देते हैं, जिससे कि मतलब ये समझ लो ये एक पुल है तो इस पुल को पार करना है. सो कैटलिस्ट या फिर हम बोलते हैं एंजाइम्स क्या करते हैं कि सब्सट्रेट को एनर्जी दे देते हैं जिससे कि वो इस पुल को जल्दी से क्रॉस कर ले. सो इस पुल को ये क्रॉस कर लिया और इसके पास कोई एनर्जी नहीं है तो ये धीरे धीरे करता है. सो हमने ग्राफ में क्या देखा? द वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, द एक्स रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट. एक्स एक्सिस में टाइम था, वाई एक्सिस में एनर्जी थी. यू वुड नॉटिस टू थिंग्स, द एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन एस एंड पी. सो सब्सट्रेट और प्रोडक्ट के बीच में हमने एनर्जी लेवल डिफरेंस देखा. इफ पी इज एट लोअर लेवल देन एस द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो क्या बोल रहा है कि हमने एस और पी का देखा लेवल कितना है, तो अगर पी का लेवल एस से कम है मीन्स एस यहाँ पे और पी नीचे है ना तो वो होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन. लेकिन जब एस यहाँ पे और पी ऊपर होता है, पी का ग्राफ ऐसे बनता है, तो वो होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन क्योंकि उसको एनर्जी चाहिए होती है. एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी यूज़ हो रही है लेकिन ये तो प्रोडक्ट इसका इतना नीचे बन रहा है तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये एनर्जी रिलीज कर रही है, इसको एनर्जी नहीं चाहिए. वन नीड नॉट सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग इन ऑर्डर टू फॉर्म द प्रोडक्ट. सो एनर्जी नहीं चाहिए होती, हमको कुछ भी हीट वीट नहीं करना है, आराम से रिएक्शन हो रही है. हाउएवर वेदर इट इज़ एन एक्सोथर्मिक और स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एन एंडोथर्मिक और एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन, द एस हैज़ टू गो थ्रू मच हायर एनर्जी स्टेट ऑफ ट्रांजिशन स्टेट. सो ये क्या बोल रहा है कि एक्सोथर्मिक मीन्स ये प्रोडक्ट नीचे हो या ऊपर हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जो सब्सट्रेट है उसको ये ब्रिज तो क्रॉस करना पड़ेगा. जो ब्रिज किसका है? एक्टिवेशन एनर्जी का. सो एंजाइम्स इवेंचुअली ब्रिंग डाउन दिस एनर्जी बैरियर मेकिंग द ट्रांजिशन ऑफ एस टू पी मोर इजी. सो एंजाइम्स क्या कर देते हैं? ये एनर्जी बैरियर है इसको ईजी कर देते हैं और यहाँ से ईजिली प्रोडक्ट बन जाता है. सो समरी क्या है? एंजाइम्स क्या करते हैं? रिएक्शन में एक्टिवेशन एनर्जी या फिर हम उसको बोल दें बैरियर जो है एनर्जी का, उसको कम कर देता है. सो रिएक्शन आराम से हो जाती है.